ओके सो हैंडसम सो यार, अभी मैंने दिखाया आपको डे सॉरी डे वन नहीं बोल रहा मैं, बॉक्स वन। ठीक है, अभी अपने पास दो बॉक्स और बचे। सबसे पहले लवली गारमेंट्स को खोल लेते हैं। एक मिनट यार, आ जा भाई। सब बारिश में रखे रखे थोड़ा सा भीग चुका है, अंडल हो चुका है। तो चलिए लेट्स ओरिजिनल ब्रांड लवली गारमेंट्स को खोलते हैं। इसके अंदर गाइस मेरे को वो सब चीज़ें मेरी मिलेगी जो भी मैंने एनालिटिक्स वगैरह के प्रोजेक्ट में जो भी कुछ मैंने यूज़ किया है। तो लेट्स ओपन। तो ठीक है, कुछ स्पीकर वगैरह सिस्टम आएंगे, कुछ जिप टाई आएगी जो कि मैंने वो क्रिस हेम्सवर्थ के साथ ही तोड़ी थी इन एक्सट्रैक्शन मूवी में। आया, हाँ रख दो, हाँ रख दो, आ रहा हूँ। चलिए यार, क्या क्या है गया। तो सबसे पहले ये वाला स्पीकर देखते हैं गाइस। ये स्पीकर मैंने बनाया था, देख सकते हैं ये वो वाला स्पीकर था, नॉर्मल ब्लूटूथ वगैरह से बजने वाला। इसके अंदर को खोला मैंने, इसके ब्लूटूथ वाले सिस्टम में मैंने ये ऑक्स वायर कनेक्ट करी है। उस टाइम पर ऑक्स वायर जब चलती थी ना, 4 साल 5 साल हो गए हैं तभी इसको बनाई थी। वायर भी देख लो भाई, बड़ी ही लंबी है ये। ठीक है, कि तो ये डायरेक्ट मोबाइल में डालने से बच जाती थी। अभी भी शायद बच जाएगा बैटरी का अगर दिक्कत ना हो तो। ये ठीक है, नट वगैरह का हल्का सा देखोगे ना तो ये ऐसे को हो गया था इसके। अभी तो वैसे बैटरी दब गई है। ठीक है, भीग चुका है पूरा। चलो यार, इसको वापस से रख देता हूँ। इसको खोल के कभी और सीन दिखाऊंगा। ठीक है, डन है। और एक ये वाला कुछ स्पीकर एक घड़ी के डिब्बे से बनाया था मैंने। गाइस मेरे को स्पीकर बनाने के बहुत शौक था और सब कुछ चला के वापस रख देता था। ये जस्ट वैसे बैटरी की, हाँ ये कौन सी वायर है कि स्पीकर की वायर है ये वाली। ये भी बैटरी की, इसके अंदर बैटरी ऑलरेडी इनबिल्ट है ये। ठीक है, नहीं बैटरी निकाल दी है मैंने। तो ये बोतल का ढक्कन है, ये एक ब्लैक बोतल का ढक्कन है। इधर में एक बहुत ही तगड़ा वाला स्पीकर लगा रखा था मैंने। ठीक है, और बाकी कुछ ये प्लेट मैंने उसकी निकाल रखी थी। अभी तो ऐसे ही सब भीग गया है, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, सभी को फेंकूंगा। देख लो भाई, सनबोर्ड को मैंने पिघला पिघला के ये उसके लेग्स बनाए थे। यहाँ से वायरिंग के लिए था, यहाँ से चार्जिंग के लिए था ना, तो इतना ही मैंने कट कर रखा था। ये ऐसे खड़े हो जाता था और ये बसता था, और बसता था और उसमें लाइटें भी जलती थी। इसकी लाइट होती थी, वो इसके अंदर RGB लाइटिंग थी। ठीक है, और अभी तो ये एक छोटा सा स्पीकर इसका ये रहा। ये पूरा जंक लग चुका है खराब होके, शायद उल्टा बंद कर रहा हूँ। यस, अभी तो ये सब फेंक देना आएगा। ओके, ये जिप टाई वही हेम्सवर्थ के साथ जो छोड़ी तोड़ी थी मैंने। ठीक है, का ये एक लाइट, ये भी गाइस मैंने बनाई थी। इधर बस बैटरी लगाता था मैं, और ये अभी भी जल जाएगी, अभी भी लगा दूंगा तो। ये मेरे HP S6500 की बैटरी है, अभी जो कुछ टाइम पहले मैंने इसको निकाला था। ये बाइक वगैरह का होता है। ठीक है, खुलता था ये सब मैंने कनेक्ट करा था। ये प्रेस के इंडिकेटर वायर है ये, और अभी इसके नीचे और गाइस क्या है, ये रबड़ को ले जाते हैं, इसको कहीं पे काम आएगा। ये आज मेरे याद आ गया। ठीक है, और इसके अंदर गाइस इसके अंदर भी कुछ हैगा, ये लकड़ी का एक बॉक्स हैगा। ओके, टन टन है, तो ये लकड़ी का एकदम चमकता धमकता बॉक्स हैगा। इसके अंदर भी कुछ है, इसमें बैटरी वगैरह वाला जो जुगाड़ है, बैटरी वाला ज़्यादा कुछ है नहीं। यही सही देख लो, कुछ नहीं दिख रहा, निकालना ही पड़ेगा। निकालना क्या, फेंकना ही पड़ेगा ये सब। ओके यार, पता नहीं मैंने ये सब संभाल के क्यों रखे थे। देखो सब में पानी भर चुका है, इसमें इसमें भी पानी है।
एक मोटर भी रखी हुई है एकदम तगड़ी वाली। ये सब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मारते हैं, इनको पता है। ओके, एक मैग्नेट है इधर को। ये गाइस ये लेंस है, टॉर्च वगैरह का लेंस था। ये एक सब फेंकना आएगा अभी मेरे को, ये ट्यूब। हाँ आ रहा हूँ। वो ग्लू स्टिक इसमें रखी हुई है, ग्लू गन की स्टिक है ये गाइस। ये ओके, तो बस यही कुछ है। ये हॉर्न एंड अगेन ये एक स्पीकर, इसकी प्लेट इधर रहेगी, बैटरी भी लगी हुई है। चलो इसमें से एक स्पीकर को ठीक करता हूँ अगेन। अगेन मतलब फिर से, ठीक है। इस बॉक्स में क्या है, और इसके अंदर से चाबी वगैरह के छल्ले हैं जो कि मेरे कभी काम नहीं आए। गाइस ये छल्ला मैंने कभी लाया था, एकदम बहुत ही टाइम पहले, मेरे को याद है स्कूल के टाइम पे 6th 7th क्लास में लाया था मैं। बाकी इसके अंदर पता नहीं क्यों छल्ले इकट्ठा करने की मेरे को वो थी चुल, उस कभी करे थे छल्ले इकट्ठे। और ये जो मैं बॉक्स अपने दिखा रहा हूँ ना, ये मेरे मतलब पुरजो पुरखो साल पुराने की वो है कि कहाँ। ये पापा का एक छल्ला था, इससे बोतल भी ओपनिंग कर सकते थे। चलो यार, बाकी और कुछ खास है नहीं इसमें, बाकी दो बढ़िया बढ़िया से छल्ले नए नए लग रहे हैं, चाबी वगैरह के। सब कुछ भीग चुका, सब कुछ भीग चुका, छत पे रख रख के। नीचे की अभी सफाई करी थी ना नवरात्रों के, तब मैं छत पे ले आया था ये सब, ये तभी से ही रखे रखे इधर भीग गया। ये सब फेंकने का है, सब फेंकने का है, ये सब फेंकने का है। तो गाइस ये मेरे दो बक्से खुल चुके हैं, अभी बारी है कि तीसरे की। तो यार तीसरे बक्से में भी कुछ बढ़िया सा मिलेगा ऐसा अपने को लगता है। एक बक्से में तो यही सब है, कि सबकी अनबॉक्सिंग के लिए भी वीडियो को बस कुछ कर देना, कुछ मत करना, छोड़ना। वैसे भी सारे ट्रैश पे जाएगी, मेरे को नहीं लगता है, मिस्टर हैंडसम पे जाएगी। ओके डन है, अभी बारी आते हैं बॉक्स नंबर 3 की।